जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, धान की बुआई का सही समय क्या होता है और उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत में सबसे ज्यादा धान की खेती कहाँ होती है? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा धान की खेती पश्चिम बंगाल में होती है और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में धान की खेती होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। तो धान का बुआई का जो सही समय क्या है और इसकी कौन कौन सी विधियाँ काफ़ी अच्छी हैं जिससे ज़्यादा पैदावार हो सके, तो आइए दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे धान की बुआई का उचित समय और इसकी विधियों के बारे में। तो दोस्तों, धान की रोपाई का सही समय जो है जून के तीसरी सप्ताह से लेकर जुलाई के तीसरी सप्ताह का होता है। इससे पहले मई में इसकी पौध तैयार करने का काम शुरू किया जा सकता है। मई में इसकी नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए और जून में इसकी रोपाई का काम शुरू किया जाना चाहिए। यदि सही समय पर धान की नर्सरी तैयार कर ली जाए तो इसकी रोपाई का काम काफ़ी आसान हो जाता है। धान की किस्मों के आधार पर नर्सरी तैयार करने का सही समय, दोस्तों जो हाइब्रिड किस्मों के लिए धान की नर्सरी मई के दूसरे सप्ताह से पूरे जून के महीने तक लगाई जा सकती है, वहीं मध्यम अवधि की हाइब्रिड किस्मों के लिए जो है नर्सरी मई से दूसरे सप्ताह में लगानी चाहिए। इसके अलावा धान की बासमती किस्मों के लिए नर्सरी जो है वो जून के पहले सप्ताह में लगाई जानी चाहिए। अब दोस्तों, हम जानते हैं धान की बुआई की विधियों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं धान की सीधी बुआई विधि के बारे में। तो कम पानी में धान की पैदावार लेने के लिए किसान सीधी बुआई विधि को अपना सकते हैं। ये विधि उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है जहां सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। हरियाणा व पंजाब राज्य में धान की बुआई की विधि काफ़ी प्रचलन में है और सरकार भी इस विधि से धान की बुआई करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। तो धान की सीधी बुआई के लिए आप जीरो टिल ड्रिल का उपयोग काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन जिन खेतों में फसल अवशेष हों वहां हैप्पी सीडर या रोटरी डिस्क ड्रिल का उपयोग कर धान की बुआई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। 9 कतार वाली जीरो टिल ड्रिल मशीन से करीब प्रति घंटा 1 एकड़ में धान की सीधी बुआई की जा सकती है, लेकिन जीरो टिल ड्रिल मशीन धान की बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो। यदि नमी नहीं है तो बुआई से पहले हल्की सिंचाई अवश्य कर लेनी चाहिए। तो कैसे होती है जीरो टिल ड्रिल धान से सीधी बुआई? धान की सीधी बुआई के लिए 45 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर से प्रयोग करना चाहिए और इसके लिए प्रमाणिक बीज का ही उपयोग करें और बीज की जमाव क्षमता जो है वो 85 से लेकर 90% होनी चाहिए। यदि अंकुरण क्षमता कम हो तो बीज दर को बढ़ाया जा सकता है। बुआई से पहले धान के बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज की मात्रा के लिए 0.2 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर बीज को 2 घंटे छाया में सुखाकर सीड ड्रिल मशीन द्वारा बुआई की जानी रही। अब दोस्तों, हम जानते हैं धान की बुआई की SRI विधि। ये धान की बुआई आधुनिक विधि है और इस विधि में सबसे पहले जो है 20% वर्मी कंपोस्ट, 70% मिट्टी और 10% भूसी या रेत लेकर मिश्रण तैयार किया जाता है और इसके बाद प्लास्टिक की पॉलिथीन बिछाकर तैयार किए गए मिश्रण से उठी हुई क्यारियां तैयार की जाती हैं और बिजाई के बाद जो है बीजों को मिट्टी की बारीक परत में ढक दिया जाता है। यदि नमी का अभाव हो तो इसमें पानी दिया जाता है। इस विधि से मात्र 8 से 12 दिन में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं और जब पौधे में 2 पत्तियां आ जाएं तब इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे करें धान की रोपाई? तो धान की SRI विधि तैयार की गई। पौध की रोपाई करने से पहले नर्सरी में 1 दिन पहले सिंचाई कर दें ताकि पौधों को निकालने में आसानी रहे और नर्सरी से पौधे निकालने के बाद यदि जड़ों में मिट्टी है तो उसमें पानी से धोकर साफ कर लेना चाहिए। अब इसे कार्बन डाइऑक्साइड 25% WP की मात्रा लेकर 1 लीटर पानी में घोल मिला दें। इसके बाद इस घोल में पौधों की जड़ों को 20 मिनट तक भिगो कर रखें। इसके बाद इस उपचारित पौधों की खेत में रोपाई कर दें। आमतौर पर धान की रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए।
रोपाई करते समय एक जगह पर ही जो है 2 से 3 पौधे लगाने चाहिए। और यदि आप कृषि यंत्र से धान की रोपाई करते हैं तो इसके लिए आप जो है 1.2 × 10 मीटर की क्यारी तैयार कर ले और इसके बाद जो है इसमें धान की बुआई करें। लेकिन आधुनिक यंत्रों से धान की बुआई करने पर समय और श्रम की बचत होती, ये तो सभी को मालूम। तो दोस्तों, आपने जाना धान की बुआई का सही समय और उनकी विधियों के बारे में। और इसी के साथ दोस्तों, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान दोस्तों।